भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में बुधवार को 2 दिवसीय पोषक अनाज विषय पर किसान, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और निवेशकों के सम्मेलन पर कार्यशाला का आयोजन शुरू किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि बाढ़ जैसी आपदाओं से हमेशा जूझने के बावजूद बिहार के पास पूरी क्षमता है कि यह उद्यमिता में एक अग्रणी राज्य बन सके, लेकिन लंबे समय से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करने के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा बिहार की यह मांग पूरी नहीं की गई। मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद बिहार देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में होता, जबकि कृषि को उद्योग का दर्जा मिले इसके लिए मंत्री ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कृषि को उद्यमिता का दर्जा मिलने पर बिहार में कृषि और कृषक दोनों का काया पलट हो सकता है। साथ ही मंत्री ने किसानों और बिहारवासियों से आह्वान करते हुए कहा कि बिहार को अगले 5 वर्षों में देश के 5 अग्रणी राज्य में शामिल करने के लिए उन सभी को कार्य करना है। मंत्री ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय के प्रसार इकाई के रूप में मीडिया सेंटर और सामुदायिक रेडियो के कार्यों को सराहा और कहा कि बिहार के उद्यमियों के हित में बनने वाले फिल्म या रेडियो से जागरूकता कार्यक्रम चलाने पर उद्योग विभाग हर संभव मदद करेगी। इससे पूर्व मंत्री के साथ सभी अतिथियों का स्वागत अधिष्ठाता कृषि डॉक्टर ए के शाह एवं निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर आर के सुहाने ने पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र देकर किया। सम्मेलन में बिहार के कृषि उद्यमी, किसान और निवेशक के तौर पर कई बैंकों के प्रतिनिधियों ने बिहार में पोषक अनाज आधारित उद्यम को विकसित करने की संभावनाओं, चुनौतियों एवं समाधान पर मंथन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CCS NIAM के निदेशक डॉक्टर रमेश मित्तल ने कहा कि बिहार कृषि और उद्यम में काफ़ी समय से आगे रहा है और भविष्य में भी बिहार में उद्यमिता के क्षेत्र में भरपूर संभावनाएं हैं। साथ ही कहा कि उद्योगों में कृषि का योगदान 70% से अधिक होता है। वहीं तकनीकी सत्र में कई प्रस्तुतिकरण दिए गए, इसमें पोषक अनाज आधारित नवाचार एवं मूल्य श्रृंखला का विकास, बिहार में उद्यमिता विकास के लिए किए गए योगदान का विषय शामिल रहा। इधर अध्यक्ष भाषण के दौरान निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर आर के सुहाने ने कहा कि यह कार्यशाला बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर डी आर सिंह के विजन के परिणाम स्वरूप आयोजित किया गया है। कार्यशाला में आए कई उद्यमियों के उत्पाद को भी लोकार्पित किया गया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन सह निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर आर एन सिंह ने किया। मौके पर नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी, विद्यालय के PRO डॉक्टर राजेश कुमार समेत विश्वविद्यालय परिवार के सदस्य, किसान और उद्यमी मौजूद रहे। भागलपुर के श्री गौशाला प्रांगण में श्री गुरु सेवा समिति द्वारा आयोजित 7 दिवसीय भागवत कथा के दूसरे दिन देश की प्रसिद्ध कथावाचिका और मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी ने भागवत के कई प्रसंगों पर प्रवचन किया। इस दौरान कथावाचिका जया किशोरी ने भागवत के माध्यम से जीवन के लिए उपयोगी कई बातों को सरल भाषा में श्रद्धालुओं के बीच रखा और भक्ति के साथ जीवन की सच्चाई को स्वीकार करते हुए निरंतर प्रयास करते रहने की बात कही। वहीं इससे पूर्व आयोजन समिति की ओर से तैयार किए गए भव्य पंडाल में बनारस से आए 46 पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई, जबकि जया किशोरी के आगमन के बाद से उनका स्वागत कर बनारस के पंडितों द्वारा स्वास्ति वाचन, मंगलाचरण और वैदिक मंत्रोच्चार किया गया। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण समेत सभी देवी देवताओं को नमन कर आरती और पूजन किया गया, जिसके बाद कथावाचिका ने विधि पूर्वक भागवत कथा वाचन शुरू किया। वहीं बुधवार को भागवत कथा के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री MLC सैयद शहनवाज हुसैन भी गौशाला स्थित भागवत पंडाल पहुंचे, जहां उन्होंने भागलपुर आगमन को लेकर कथावाचिका जया किशोरी का स्वागत और सम्मान करते हुए समिति और अपनी ओर से उपहार भेंट किया, जबकि श्रवण बाजोरिया समेत कई लोगों द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री का भी स्वागत किया गया। कार्यक्रम में शहनवाज हुसैन ने खुद को जया किशोरी का
फॉलोअर बताते हुए कहा कि वह रोजाना उनके कथा और मोटिवेशनल स्पीच को सुनते हैं जो उनके साथ सभी युवाओं और सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक होता है। साथ ही शहनवाज हुसैन ने भागलपुर के प्रसिद्ध तसर सिल्क, कतरनी धान, जरदालू आम समेत कई विशेषताओं के बारे में भी जया किशोरी को बताते हुए भागलपुर को पुण्य भूमि बताया। इधर कथा पंडाल में मौजूद सभी लोगों ने जया किशोरी के भागवत प्रसंग को सुनकर भक्ति में डूबे रहे, जबकि इस दौरान जयकारा और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सभी श्रद्धालु भक्ति में झूमते दिखे। मौके पर काफी संख्या में श्री गुरु सेवा समिति के तमाम पदाधिकारी, सदस्य और शहर के विभिन्न जगहों से काफी संख्या में आए पुरुष, महिला, युवक, युवती और बच्चों के साथ भागवत प्रेमी मौजूद रहे। जया किशोरी जी आई हैं, बहुत मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, भागवत कहती हैं, खुद को संत नहीं कहती लेकिन उसी कैटेगरी में सब लोग उनको संत की तरह ही प्यार करते हैं, लेकिन खुद को संत कहने में परहेज करते हैं। और पहले भी वो भागलपुर आई थी करीब 10 साल 15 साल खबर, और तब मैं यहाँ सांसद के नाते उनका स्वागत किया था तो बहुत छोटी थी। आज फिर से आई हैं और बहुत अच्छी बातें बताती हैं, समाज में सौहार्द हो, मिलकर लोग चलें। भागवत तो सुनाती हैं लेकिन समाज में भी किस तरह लोग मिलजुल कर रहें, मर्यादा में चलें, ये सब बातें भी बताती हैं। भागलपुर पुलिस लाइन में तैनात वाहन को सांग प्रभारी अभिषेक कुमार द्वारा मंगलवार को गले में बिजली के तार का फंदा लगाकर खुदकुशी कर लेने के मामले में नया मोड़ सामने आया है, जिसमें मृतक एमटी प्रभारी अभिषेक के भाई विवेक कुमार ने अपने भाई अभिषेक को अच्छा और सुलझा हुआ इंसान बताते हुए विभाग के मुंशी और 2-3 चालक के द्वारा अभिषेक से फर्जी चालान पर हस्ताक्षर करवा कर पैसे का भुगतान लेने का आरोप लगाया है। विवेक कुमार का कहना है किसी बात से उसके भाई परेशान रहा करते थे और इस बात को लेकर अभिषेक ने कई बार इसकी शिकायत अपने वरीय अधिकारियों से भी की थी, लेकिन इसके बावजूद मामले की कोई जांच नहीं की गई। इसके कारण विभाग की संवेदनहीनता से तनावग्रस्त होकर उसके बड़े भाई अभिषेक की जान चली गई। वहीं इस पूरे मामले को लेकर भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें SSP ने कहा कि वाहन कोषांग प्रभारी अभिषेक कुमार की हत्या मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है, जिससे घटना की गहन जांच कर सच्चाई को सामने लाया जा सके और अगर कोई भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही SSP ने कहा कि अभी तक यह समझ से परे है कि अभिषेक ने आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया, जबकि इस घटना की जाँच के लिए अभिषेक का मोबाइल भी FSL की टीम को सौंप दिया गया है, जिससे मोबाइल कॉल डिटेल और रिकॉर्डिंग बात सामने आ सके। साथ ही SSP ने कहा कि उनके साथ रहने वाले पुलिस कर्मियों से भी पूछताछ की जा रही है, जिससे अभिषेक के पिछले कुछ दिनों का व्यवहार का पता चल सके। इधर परिजनों के द्वारा लगाए गए आरोप के आधार पर पुलिस द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। कल SSP थाने में एक परिचारी थे, इनका शव उनके कमरे में मिला तो संदर्भ में आयोजित की गई कुछ बिंदु है जिन पर मैं आपको से बात करना चाहूंगा। इस पूरे मामले की जांच के लिए सिटी SP साहब के नेतृत्व में एक SIT बनी है जो इस पूरे मामले का जो आपराधिक कोण है उस पर जांच कर रही है। कल जब ये घटना प्रकाश में आई तो वहाँ पे पुलिस उप महानिदेशक महोदय एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया। FSL की टीम भी आई और उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और उन्होंने जो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी उसके आधार पर यह घटना आत्महत्या की है, लेकिन कल रात में इसका पोस्टमार्टम हुआ है और हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि घटना हत्या है या आत्महत्या है। और अगर आत्महत्या की बात करें तो उसमें भी कुछ एंगल सामने आए हैं। एक तो परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया है एक सिपाही के ऊपर, उससे हमारी जो SIT है उसके द्वारा पूछताछ की जा रही है और उनके जो मोबाइल थे उनको खंगालने के उपरांत भी कुछ एक नंबर था जिससे लगातार उनकी बात हो रही थी और जिस दिन रात में घटना हुई है उस नंबर से उन्होंने बात करने का प्रयास आखिरी वक्त तक किया लेकिन उनकी बात नहीं हो पाई।
तो उस बिंदु पर भी जो SIT है, दोनों बिंदुओं पर SIT जांच कर रही है और उसमें जो भी साक्ष्य आएंगे तो साक्ष्य अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही साथ परिजनों ने आरोप लगाया है कि जो MT सेक्शन है उसमें कुछ गड़बड़ी का आरोप लगाया है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे पुलिस विभाग में जितने भी बिल्स निकलते हैं सभी बिल्स की वार्षिक अंकेक्षण जो महालेखाकार है, भारत सरकार का एक बड़ा विभाग है, उनके द्वारा वार्षिक उनकी जो ऑडिट टीम आती है और वो एक एक बिल की पड़ताल करती है। फिर भी जो आरोप लगाए हैं इसके मद्देनज़र हम लोगों ने एक आंतरिक अंकेक्षण कमेटी बनाई है जो कि श्री कैलाश प्रसाद जो कि बिहार पुलिस सेवा के शीर्ष स्तर के पदाधिकारी हैं और यहाँ पुलिस उपाधीक्षक हेडक्वार्टर 1 के पद पे पदस्थापित हैं, उनके नेतृत्व में एक टीम बनी है जो कि पिछले 6 माह में जितनी भी उस शाखा में जितने भी बिल्स निकले हैं उन सारे बिल की गहनता से और सूक्ष्मता से जांच करेगी और अगर कुछ उसमें कुछ गड़बड़ी पाई जाती है किसी भी स्तर पर तो उनको चिन्हित करके उनकी जिम्मेदारी तय करके उस पर कार्रवाई की जाए। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। भागलपुर में पहली बार चौबीस हफ्ते डकैती। भागलपुर SSP कार्यालय के समीप लाचार और रोती बिलखती अवस्था में एक महिला नजर आई जिसके हाथ में एक युवक का फोटो था। बताया जा रहा है कि बेगूसराय की रहने वाली महिला मीनू देवी अपने पति नीतीश कुमार की फोटो लेकर उसकी तलाश में दर दर भटक रही है। इसको लेकर मीनू देवी ने बताया कि 7 वर्ष पूर्व उसने नीतीश कुमार नाम के युवक से प्रेम विवाह किया था जिसके कारण नीतीश के घर वाले नाराज थे, लेकिन शादी के बाद पिछले 7 साल से वो दोनों पति पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे थे। कुछ दिन पहले अचानक उनके पति का फोन बंद आने लगा जिससे वह काफी परेशान हो गई। मीनू देवी ने कहा कि कुछ दिन पहले उसके पति की नानी का फोन आया था जिसमें उन्हें उनके माँ के देहांत हो जाने की बात कही गई। इसके बाद से उसका पति नीतीश कुमार अपने घर से निकल गया, लेकिन इसके बाद दोबारा उसके पति वापस नहीं आए। साथ ही कहा कि जब उसने इसका पता लगाना शुरू किया तो उसे पता चला कि उसे बुलाने के पीछे दोनों पति पत्नी को अलग करने की साजिश थी। वहीं इसको लेकर महिला न्याय की गुहार लगाने के लिए भागलपुर SSP आनंद कुमार के पास पहुंची, जहां मीनू देवी ने SSP को बताया कि उसके पति से उसकी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन परिवार वाले नहीं चाहते हैं कि वो दोनों एक साथ रहे। साथ ही कहा कि नीतीश की नानी ने उसके पति की शादी दूसरी जगह करने की बात कही है जो उसके साथ अन्याय होगा और आखिर वो अपना जीवन पति के बिना कैसे और कहाँ निर्वहन करेगी। नानी फोन करा, वो भाग आया कि मेरा मम्मी मर गया। भागलपुर क्यों आए हैं? हम आए यहाँ न्याय मांगने, मेरा पति ढूंढ के दे दीजिए। मेरा पति से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, उसके परिवार वाला हमें नहीं चाहता है।
पति कहाँ चला गया आपका? वो गया है साहिबगंज झारखंड अपने नानी के पास, उसकी नानी फोन छीन लिया है, कह रहा दूसरा शादी कराएंगे, हम नहीं रखेंगे, मेरा पति तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, वो कह रहा हम नहीं छोड़ेंगे। अभी कहाँ आए हैं? अभी हम आए हैं भागलपुर। किसके पास? यशपी के पास। कहला अन्याय मांगने अपने पति को ढूंढने। क्या नाम हुआ आपका? मीनू देवी। कहाँ की रहने वाली है? बेगूसराय। कब शादी हुई? हो गया 7 साल हो गया। क्या किसके बीच अनबन हुआ है? कौन नहीं है? उसकी नानी है, उसकी मौसी और मम्मी, ये तीन के बीच हमारे विवाद चलता है। तीन बार आए तो वो चला आया। कारण क्या है? कारण कुछ नहीं, हम दोनों अपनी मर्जी से शादी कर रहे थे। बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ एवं राज्य स्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच के संयुक्त आह्वान पर विभागीय सेवा समायोजन के लिए चरणबद्ध आंदोलन के दूसरे दिन बुधवार को भी भागलपुर समाहरणालय परिसर में 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान बेल्ट्रॉन के माध्यम से कार्यरत राज्य भर के डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आशुलिपिक, IT बॉयज एंड गर्ल्स ने अपने सेवा समायोजन को लेकर जमकर नारेबाजी की। साथ ही राज्य सरकार से उन सभी के सेवा समायोजन की लंबित मांग को पूरा करने की मांग करते हुए कहा कि अगर सरकार इस आंदोलन से सबक नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल और धरना प्रदर्शन पूरे राज्य भर में किया जाएगा। इधर प्रदेश संघ के आह्वान पर किए गए हड़ताल को लेकर 2 दिनों तक राज्य मुख्यालय समेत जिला और प्रखंड के किसी भी कार्यालय में बेल्ट्रॉन के माध्यम से कार्यरत कर्मचारी ने कार्य नहीं किया, जिसके कारण कार्यालयों में कई तरह की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा। बता दें कि राज्य भर में कार्यरत 25,000 बेल्ट्रॉन कर्मी के एक साथ हड़ताल करने से कार्यालय में कामकाज बाधित हुआ है। वहीं इसको लेकर संघ के भागलपुर इकाई जिला अध्यक्ष सुमन भारती समेत धरना में शामिल अन्य कर्मियों ने कहा कि अगर सरकार उन सभी के विभागीय समायोजन की मांग पूरी करने के लिए कोई ठोस या सकारात्मक पहल नहीं करेगी तो संघ के आह्वान पर राज्य भर में बेल्ट्रॉन के माध्यम से कार्यरत सभी कर्मी आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। साथ ही कहा कि वे सभी अपने अधिकार के लिए सरकार से आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। मौके पर गौतम चौधरी, मोहम्मद अंजार, गोपाल कृष्ण झा, आशीष कुमार और गौरव कुमार झा समेत काफी संख्या में जिले भर के अलग कार्यालयों में कार्यरत बेल्ट्रॉन कर्मी मौजूद रहे। हम लोग का उद्देश्य एक ही है, सेवा समायोजन का। हम लोग लंबे समय से लगभग 25 वर्षों से डाटा एंट्री ऑपरेटर जो बेल्ट्रॉन के हम लोग जो कर्मी हैं लगातार सरकार का कार्य कर रहे हैं। जितने भी बिहार में सरकारी संस्थान हैं सभी जगह हम लोग एक कार्य कर रहे हैं सरकार का, परंतु इतने लंबे समय होने के बाद में भी अभी हम लोग का सेवा समायोजन नहीं हुआ है। इसी को लेकर हम लोग 2 दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग अनिश्चितकाल धरना पर भी जाएंगे।